त्याग एक घंटे का प्रश्न नंबर 3, तेजस और कार्मण शरीर किसके होते हैं। प्रश्न नंबर 30 वैसा होगा 32वां, तेजस और कार्मण शरीर किसके होते हैं। 5 शरीरों की चर्चा चल रही है। तेजस और कार्मण शरीर सभी संसारी जीवों को होते हैं। बोलते जाओ। सभी संसारी जीवों को, संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसे तेजस और कार्मण ये दो शरीर ना हो। और यदि हम स्थूल कथन करें तो पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक के सभी जीव अनंत भगवान भी, उनको भी, अनंत भगवान को 3 शरीर है। कितने शरीर है? 3 शरीर।
औदारिक, तेजस और कारमन। परंतु भगवान को भी कितने हैं? तीन शरीर। गणधर परमात्मा को भी तीन शरीर हैं, औदारिक, तेजस और कारमन। ये जो आहार वर्णा से बना हुआ शरीर है ये औदारिक शरीर कहलाता है। इसमें जो कांति है, चमक है, ग्लो है, वो तेजस शरीर कहलाता है। और आठ कर्मों से बना हुआ, ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से बना हुआ जो शरीर है उसे कारमण शरीर कहते हैं। बराबर। तो तीन शरीर सभी संसारी जीवों के होते हैं। बराबर। उसमें भी तीन शरीर मतलब ये मनुष्य की अपेक्षा से बात हुई। सामान्य रूप से जितने भी जीव है संसारी उनमें तीन शरीर पाए जाते हैं। जैसे त्रियंश है तो त्रियंश में भी औदारिक, तेजस और कारमण। जैसे नारकी है, नारकी और देव, तो उनमें भी तीन शरीर। कौन कौन सा? वैक्रिक, तेजस और कारमण शरीर। बराबर। तो मनुष्य और त्रियंश हो गए, देव और नारकी हो गए, तीन तीन हो गए। मनुष्य में कौन कौन से तीन अजय भैया? जिसका नाम ले वो बोले, जिसका नाम ले वो बोले। कितने शरीर? तीन शरीर। तीन शरीर कौन कौन से? औदारिक, तेजस और कारमण। ठीक है। और नारकी और जो देव है उनमें कौन कौन से तीन? जिसमें जिसका जिससे हाँ नारकी और देवों में कौन से तीन शरीर होते हैं? वैक्रीक, तेजस और कारमण। ठीक है। और जितने भी जीव, सुनना ध्यान से, क्योंकि जो प्रश्न है उस प्रश्न में क्या लिखा था? तेजस और कारमण शरीर किसके होते हैं? प्रश्न क्या है? प्रश्न, तेजस और कारमण दो शरीर किसके होते हैं? उत्तर, सभी संसारी जीवों को। ये पहले बोल दिया, पहले पहले क्या बोला था? तेजस और कारमण शरीर सभी संसारी जीवों को होते हैं। कौन कौन से? संसारी जीवों को कौन कौन से शरीर होते हैं? नोट किया जाए, विग्रह गति में स्थित जीवों को दो शरीर होते हैं। क्या कहा? विग्रह गति में। नोट करो पहले, विग्रह, वाह छोटी वी, विग्रह, गृह नहीं ऊपर वाले ग्रह, ग्रह लग जाते हैं ना वो वाले, लगते नहीं है वैसे। विग्रह गति में स्थित जीवों को दो शरीर होते हैं। समझ में आया? विग्रह गति किसे कहते हैं? एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया ये। देखो ये प्रश्न आएगा आपके उसमें, विग्रह गति की परिभाषा लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, आएगा ही आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक नंबर आपका पक्का, 50 में से। विग्रह गति किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखिए। जब जीव
देह परिवर्तन करके एक देह से दूसरे देह में जाता है। बोलो एक साथ। जब जीव देह परिवर्तन करके एक देह से दूसरी देह में जाता है, जब जीव देखो सांस लेके कोमा के साथ फुलस्टा के साथ सबको साथ लेके ठीक है, हम कितने आराम से बोल रहे हैं। जब जीव देह परिवर्तन करके एक देह से दूसरी देह में जाता है, उस अवस्था को विग्रह गति कहते हैं। उस अवस्था को विग्रह गति कहते हैं। बोलो। उस अवस्था को विग्रह गति कहते हैं। पूरी परिभाषा बोलो आराम से। जब जीव देह परिवर्तन करके एक देह से दूसरी देह में जाता है, उस अवस्था को विग्रह गति कहते हैं। मतलब मनुष्य देह में कोई जीव है, यहाँ से उस देह परिवर्तन हो रहा है, उस जीव का आयु पूरी हो गई इस देह में रहने की। जीव की आयु पूरी नहीं होती, कल रात की चर्चा सुन लेना, मरण भय का पूरा ऑपरेशन कल रात की चर्चा पूरी। देह जीव की आयु पूरी नहीं होती, चार चीज बताई थी कल, क्यों नहीं होती आयु पूरी संजय भाई साहब? कौन कौन सी चार चीज बताई थी? जीव क्यों नहीं मरता, चार चीज बताई थी। शुरुआत तो करो श्री गणेश। हाँ हम कर दे रहे, शादी होती है गणेश जी का नाम लेके। ऐसे कह रहे आप शुरू करो। जीवत्व शक्ति, हाँ बोलो तीन। है गई चर्चा, कोई बात नहीं, याद तो आई कम से कम। जी लिख लो चार चीज। जीव क्यों नहीं मरता, जीव की सत्ता का नाश क्यों नहीं होता, मरण नाम की चीज दुनिया में क्यों नहीं है? वो तो कल पूरा ऑपरेशन था, वो तो कल 55 मिनट आज भी चलेगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु सत स्वरूप है, उसमें सत असत शक्तियां पाई जाती है। सत्ता बताई थी पहली चीज, सत स्वरूप है, उस सत का कभी नाश नहीं होता, मेरा नाश नहीं होगा। आज चर्चा आएगी अभी धर्मद्रव की भी, आगे धर्मद्रव भी सत स्वरूप है, उसका कभी नाश नहीं होगा। पुद्गल सत स्वरूप है, पुद्गल का भी नाश नहीं होता, न जीव मरता न पुद्गल मरता, छह द्रव्य नहीं मरते। सबसे पहले जीवन का कारण सत सत्ता, दूसरा जीवत शक्ति है। कौन सी शक्ति है? जीवत्व शक्ति। तीसरा अस्तित्व नाम का गुण है मेरे में, छह द्रव्यों में है। चौथी चीज प्रभुत्व शक्ति, स्वतंत्रता से अखंड पने स्वभावमान रहता हूं मैं, मेरी सत्ता को कोई खंडित नहीं कर सकता, चैलेंज नहीं कर सकता। चार चार चीजें मेरे में है ऐसी, कौन मारे, कैसे मरूं, मरने की कोई व्यवस्था नहीं है। मरने की कोई व्यवस्था नहीं, ऐसा जानकर अमर हूँ, सारे जल के छंद पढ़ना, जीवन मेरा विनाशी, जीवन का सहज प्रवाह अनादि
अनंत दिखा, देव साधु की पूजा, जलकचन पंडित साहब का शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लगकर जन्म मरण भय दूर हुआ, जन्म मरण की अज्ञानता मिटी, जन्म मरण की भ्रांति टूटी और जन्म मरण का भय मिटा। भय कितने प्रकार का और निर्भयता कितने प्रकार की? पहली निर्भय कारण निर्भयता प्रकट हुई। कौन से गुण स्थान में? पहले गुण स्थान में निर्भय निशंक। कहाँ से बात आई थी? विग्रह गति किसे कहते हैं? एक साथ बोलिए, कौन को याद नहीं हुई याद कराएं? जिसे याद नहीं हुई याद कराना पड़ेगी, ड्यूटी है, इट्स माय ड्यूटी। सबको याद हो गई? अरे भैया हाना तो करो, बोलो। जब जीव गुण परिवर्तन करके एक देह से दूसरे देह में जाता है उस अवस्था विक्रय पुलिस का काम भगवान ऐसी श्रोता सबको दे। देह परिवर्तन करके बराबर मर के नहीं, शब्द देखो आप, शब्द देह परिवर्तन करके। तो एक मनुष्य गति में कोई जीव था, देह में रहने की आयु पूरी हुई, यहाँ से बात आई थी वो जीव की आयु पूरी नहीं। हाँ, तो जीव निकलकर दूसरी देह में जन्म लेने जा रहा है, तो एक समय, दो समय और तीसरे समय तो जन्म, तीन समय और एक पलक झपकने में संख्या समय, तो कितने जल्दी तुम्हें तो पता नहीं पड़ पाती। और वो जीव जाके राग रंग में मस्त हो गया और तुम रो, ये पानी नहीं पी पाए, ये दूध नहीं पी पाए, ये भैया और वे तो अप्सराओं के साथ में नंदन बन जा रहे हैं, सब अवसरण चले गए, जो जैसा हो बोलो। और तुम कह रहे हो क्या धर्मात्मा थे और कहाँ पे देह पूरी भाई, और वे नरक में साथ में डंडे पड़ रहे हैं वो जीव। और कितने बड़े प्रवचन करते थे और कितने अच्छे त्यागी थे, अबे ढोर बन गए, फिर सेठ जी मेंढक बन गए थे, सामाय करने वाले स्वाध्याय करने वाले सेठ जी कौन बन गए? कितनी अच्छी है भगवान है, उसको मरण सब वो मिले मेंढक अविनाशी आनंद में जीवन बोल ऐसा मरण सब वो मिले। बुद्धि भ्रष्ट है बिना स्वाध्याय की। क्या कहे, कहा है दोनों? समझ में आ रहा है, बुद्धि भ्रष्ट है। तो जो एक देह से दूसरी देह में जाने का जो समय है, जब जीव इस देह को छोड़ देता है, अगली देह ग्रहण नहीं होती, उसके बीच में जो एक दो तीन समय का समय रहता है, उस अवस्था को बोलते हैं विग्रह गति। सरल एकदम, अरे सरल की कठिन। भोपाल से चले हैं, विदिशा आना है, भोपाल से निकल गए हैं, विदिशा आए नहीं है, तो जो बीच का समय है कितने गति। दृष्टांत देके आपको बताना पड़ेगा, ये सब एक नंबर मिलेगा। विग्रह गति, ठीक है, सरल एकदम। तो इस समय जो संसारी जीवों को
शरीर होते हैं वो कितने शरीर होते हैं? दो। कौन कौन से? दो शरीर साथ में हैं। अनादि से है और जब तक ये जीव सिद्ध नहीं बन जाएगा तब तक ये दो शरीर साथ रहे। कुदरत के कंप्यूटर में भूल नहीं है, ये कर्म का शरीर साथ चलता है, साथ चलता है। अभी बताया था ना पहले, सबसे पहले वो ही बताया था, अरंत को भी तीन शरीर बताए थे, देवनारकी को भी बताए थे, प्रेमज को भी बताए थे, बताया है ना, सबसे पहले तो वही बताया था, तीन शरीर होते, ठीक है। तो विग्रह गति में तीन, दो है, तीन की दो, प्रदीप भैया विग्रह गति में दो शरीर होते हैं कि तीन है? कौन कौन से दो? तैजस और कारमण। उच्चारण शुद्ध चाहिए, तैजस और कारमण बराबर। सभी संसारी जीवों को सामान्यतः तीन शरीर होते हैं, कितने? तीन। मनुष्य और त्रियंचों को कौन कौन से तीन शरीर होते हैं? कौन कौन से? नारकी, देव, इन दोनों को कौन कौन से तीन शरीर होते हैं? कौन कौन से? वैक्रीक, छोटी की मात्रा है, वैक्रीक, तैजस और कारमण, तीन हो गए। क्या किसी को एक साथ चार शरीर भी होते हैं? हाँ होते हैं। कौन कौन बता सकते हैं किसको होते हैं और कौन कौन से होते हैं? पुरुषों में पांच छह हाथ हो गए, सात, महिलाओं में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, महिलाएं आगे हो गई, महिला डे है आज। वुमेन्स डे का मतलब है भेद विज्ञान रूपी महिला का डे, ज्ञान की परिणति का, वो भी स्त्री है ना, नहीं ये दिखने लगे। कौन बता रहा है? संजय भाई सब बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। रिद्धिधारी मुनिराज, कौन से रिद्धिधारी? रिद्धियां बहुत सारी होती हैं, चांद रिद्धि, बीज रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, आहारक रिद्धि। चार ही पे अटके थे, इनने पांच कर लिए। दूसरों की सुन के सरकार बनाओगे तो गिर जाएगी, एक ही डायरेक्टर रहने दो। जो आहारक रिद्धि के धारी मुनिराज होते हैं उनको औदारिक शरीर तो है ही, तेजस है ही, कारमण है ही, मुनिराज है ना, मनुष्य गति के जीव, तो तीन तो है ही। और जिस समय वो आहारक पुतला निकलता है तो आहारक शरीर भी होता है, तो कितने हो गए एक साथ? चार। कौन कौन से? औदारिक, तेजस,
कारमण और आहार, पहला दूसरा तीसरा और चौथा आहारक। उसमें निकलता है एक हाथ का मस्तिष्क से सफेद स्वच्छ निर्मल और तत्व में शंका होने पर, कोई पास में कोई विशेष मुनिराज हो, केवली हो, सुत केवली हो, उनके पास तक जाता है, शंका का समाधान हो जाता है, पुतला के शरीर में ही समाप्त। हमेशा नहीं रहता वो तो हाँ, वो तो एक एट रैंडम बनता है और उसमें ही फिर वो विलय को प्राप्त हो जाता है। उद्गल परमाणु युक्ता है, इंद्रधनुष बना और लिख लो, इंद्रधनुष बना और विकट गया, ऐसा बस वो आहारक पुतला बनता है और विकट गया है। ये जो आहारक पुतला शरीर, अब इसका आगम में वर्णन देख लेना, दो मिनट चार मिनट तो ये वो समय ज्यादा नहीं है इनका, वो तो निकला गया और वो सब बहुत कम समय का देखते से ही सबका समान हो जाती है। अब वो तो विस्तार नहीं बराबर। इस तरह से पांच शरीरों की चर्चा अपनी पूरी हुई। पांच शरीरों के नाम बताइए, पहला दूसरा तीसरा, एक कोई बोलो कौन बोल रहा है पांच शरीरों के नाम। हाँ बोलो इंजीनियर साहब। क्लियर हो गए, पांच शरीर, अभी पांच का नाम लिए थे, ठीक है, ये पांच शरीर होते हैं बराबर। चलिए प्रश्न नंबर 31 और वैसे हो जाएगा 33 से 34 देख लेना, क्योंकि बिगड़े गति का बीच में और आ गया ना ये। और एक प्रश्न ये भी बढ़ गया, एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं, है ना, तो एक जीव के एक साथ कम से कम दो, तेजस और कारमण, अधिक से अधिक चार जो अभी बताए थे, है ना, ये शरीर हो सकते हैं। विग्रह गति में तेजस और कारमण, मनुष्य और त्रियंच के औदारिक तेजस और कारमण, देवों और नारकियों के वैक्रियक, इसमें यह लिखा है ना, उसमें ऊपर परिभाषा में एक लिखा है देख लेना, वैक्रिक तेजस और कारमण तथा आहारक वृद्धिधारी मुनि के औदारिक आहारक तेजस और कारमण शरीर होते हैं। क्लियर, हाँ, ये तो विक्रिय रिद्धि होती है, चक्रवर्ती के वैक्रिय शरीर होता है तो तीन में गर्भित हो जाएगा। बताया था ना उस समय सब चर्चा की थी, चक्रवर्ती को वैक्रिय शरीर हो जाता है ना विक्रिय रिद्धि के द्वारा, तो औदारिक भी है, वैक्रिय भी है, तेजस भी है और कार्बन, चक्रवर्ती को भी तो चार शरीर के ऐसा प्रसंग बन जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर पुस्तक के हिसाब से 31 है और आपके क्रम में जो भी आप कर सकते हैं। जीव और पुद्गल द्रव्यों की चर्चा हुई, कितने द्रव्यों की हो गई, क्योंकि शरीर ये पुद्गल द्रव्य की रचना है, सारी पुद्गल की रचना विस्तार से हुई। आगे तीसरे द्रव्य की चर्चा, तीसरे द्रव्य का नाम, तीसरे द्रव्य का नाम जादू, पहले द्रव्य का नाम बोलो, दूसरा हा? बोलो मत भैया, नकल की मना है यहाँ पर, दूसरा तीसरा, देखो बीच में बोल रहा, उस बच्चे को बड़े होने दो, आप लोग तो हो नहीं पा रहे इतने साल हो गए। बड़े हो जाते तो हमने गाता अनुशासन बनाए रखो, बीच में मत बोलो, बच्चे बोलते हैं बीच में, बड़े कहाँ बोलते हैं।
पहले द्रव का नाम जीव द्रव, दूसरा अब सब लोग बोलो, पहला दूसरा तीसरा अंकुर, चौथा हर्षित, पांचवा आकार, अर्थ छठवा काल। बहुत बढ़िया, सबको आते हैं बोलने दो, ठीक है। तीसरे द्रव का नाम एक साथ बोलो धर्म द्रव की परिभाषा लिखिए। जो परिभाषा एक एक शब्द जैसा यहाँ से बोला जा रहा है इस पुस्तक के अनुसार, जब आप लिखोगे परीक्षा में तो इसी पुस्तक के अनुसार होना चाहिए, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। ये नियम व्हाट्सएप पे भी डाल देना मैसेज, इस पुस्तक के अनुसार शब्द चाहिए बराबर। जो नहीं लिख रहे वो दोहराते जाए अच्छे से। जो स्वयं गति रूप से परिणमित जादू बोलो तेज, जो स्वयं गति रूप से परिणमित, जो नहीं लिख रहे वो अच्छे से बोलो और जो लिख रहे हैं वो भी बोलते चलो। तो चार बार तो बोल, क्यों बोल रहे हैं, क्यों रिपीट करवा रहे हैं। वो बुलवाने का उद्देश्य तो यही है कि तुम्हें वो शब्द छूटेगा तो लिखने में आ जाएगा। हाँ भैया कोई मत बोलना, एन वाई सी लिखा है, एन वाई सी तुम जा रहे हो, तुमने दिलवाए कपड़े। अच्छा, अच्छे से देखना जरा क्या बोल रहे थे, लिख लिया सबने, ठीक है। आगे बोलना मत कोई, जीवों और पुद्गलों को अब जितनी थी आगे से लेके यहाँ तक की बोल रहे हैं, जो स्वयं गति रूप से परिणमित जीवों और पुद्गलों को, सबकी लिखा गई, बढ़िया बहुत अच्छा। गमन करने चलने में सहकारी हो, गमन करने कोष्टक चलने में सहकारी हो, है ना, गमन करने चलने में सहकारी हो अथवा निमित्त हो, सहकारी कहो निमित्त कहो सहायक कहो, समझ में आया, सहकारी कहो निमित्त कहो और सहायक कहो, सब पर्यायवाची है, कारण कहो हेतु कहो सब पर्यायवाची है। उसे धर्म द्रव्य कहते हैं, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। एक साथ सब लोग मिलकर बोलेंगे, प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है, मूल परिभाषा में दो शब्द है सहायक और निमित्त, बराबर सहायक और निमित्त।
एग्जाम्पल, धर्म द्रव्य की परिभाषा का एग्जाम्पल, धर्म द्रव्य कैसे काम करता है उसको बताने का एग्जाम्पल। सुनना ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा सुधार के बोल रहे हैं जो लिखा है पंडित जी का, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हल्का सा सुनना ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे सरोवर का रुका हुआ जल मछली को चलने में सहायक है, एक साथ बोलो, कुछ अंतर पड़ा, कुछ अंतर पड़ा। इसमें लिखा है मछली के गमन में जल, है ना, जल तो जल कोई कह रहे हैं, वो नदियों का पानी बह रहा है और मछली भी साथ में बह रही है, तो बहता हुआ जल नहीं, लहरों वाला जल नहीं, थोड़ा सा समझदारों को तो वही बात है, लेकिन फिर भी और हाईलाइट करने की बात है क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय में से, इस परिभाषा में से इतना बड़ा सिद्धांत निकलता है जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत को पोषण करने वाला कि एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है, निमित्त कर्ता नहीं है, इतना बड़ा सिद्धांत निकलता है, बहुत बड़ी बात निकलती है। धर्म द्रव के लिए कौन सा दृष्टांत देके समझाया गया, बोलो खुशी, रुके हुए सरोवर का चलता हुआ जल। बिटिया रानी, सरोवर तो कहते ही उसे जो रुका हुआ होता है, नदी होती है, हाँ है ना, सरोवर का और रुका हुआ सब्जी क्यों डाला था, क्योंकि हवा से तरंगित भी, जैसे बहुत तेज हवा चल रही है तो वो, इसलिए वो रुका हुआ शब्द प्रयोग किया था। जैसे हमारी घर के ऊपर छत पर रखी हुई टंकी का जल, उसमें मछली छोड़ दो, जैसे एक्वेरियम में रखे हुए जल में चलती हुई मछली को जल, एक्वेरियम में जो डिब्बे देखे जैन साहब के रखे, देखे जैन साहब के, सही जैन साहब के, कोई मुंगचू जैन साहब के नहीं, नहीं अपन चले सब, क्योंकि अजैन जैन साहब की बात हम नहीं कर सकते, कोई मुमुक्षु हो तो चले। वो जो जल है डिब्बे में वो कैसा है, वो मछली उसमें गमन कर रही है, कौन से द्रव को समझाया था एग्जाम्पल से, धर्म द्रव को, क्या गजब बात है, नाम है अचल जी और सबको चला रहे हैं, स्वरूप है अचल और सबको चला रहे हैं, चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, बोलो, धर्म द्रव क्या करता है, स्वयं फिक्स है, स्थिर है, एक है, अभेद है, अखंड है, अरूपी है, धर्म द्रव की परिभाषा बता दी, स्वरूप बता दिया, विशेषताएं बता दी, क्या कहा, धर्म द्रव स्वयं अचल है, फिक्स है, एक है, अखंड है, अरूपी है, और लोक प्रमाण असंख्यात प्रवेशी है। समझदारों ने लिख लिया, नहीं समझदार नहीं लिख पाए, धर्म द्रव एक है, अखंड है, अरूपी है, स्वयं अचल है, स्थिर है, और लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, अरूपी है, अजीब है, समझ में आया, दो विशेषताएं, अजीब है और
अरूपी है, पुद्गल अजीव है लेकिन रूपी है। क्या कहा? विशेषता लिख लो, ये अंतर के आधार। एक प्रश्न ये भी आएगा कभी, छह द्रव्यों में अंतर बताइए परस्पर, पांच नंबर का, छह द्रव्यों में। ये जैन धर्म की पहली पढ़ाइयां है सब, छह द्रव्य दुनिया में किसी ग्रंथ में किसी धर्म में नहीं लिखे, सात तत्व कहीं नहीं लिखे, द्रव गुण पर्याय कहीं नहीं लिखे। ये जैन धर्म की मूल पढ़ाई है, तीन चीज और रथ फल में रत्नत्रय मोक्ष मार्ग, ये कहीं नहीं है। द्रव गुण पर्याय, छह द्रव्य, सात तत्व और इनका स्वरूप समझकर सम्यक दर्शन ज्ञान चाहताणी आनंद मार्ग, निर्भय मार्ग, मुक्ति मार्ग, निशंक मार्ग, इतनी पढ़ाई तो मुमुक्षुओं को पक्की होना चाहिए, मुमुक्षुओं को सुनने आना चाहिए, मुमुक्षुओं को ये अपने बच्चों को बहुओं को इतनी पढ़ाई तो पक्की होना चाहिए। कम से कम रविवार का दिन तो अपने बच्चों बहुओं को पूजा करने आना चाहिए, शुद्ध कपड़े पहन के पूजा करो, प्रक्षाल करो। क्या कहा? कम से कम रविवार का दिन तो बच्चे हैं बहुएं आए, कम से कम पूजा करें। पाठ कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं सब लोग? हमारी बहू आई कि नहीं आई, देख रहे हैं? धर्म द्रव की परिभाषा एक साथ बोलिए। प्रांशु परिभाषा बोलो धर्म द्रव की, देख के धर्म द्रव्य की विशेषता बताइए। अरे बेटा विशेषता बताना, ध्यान से पढ़ो, पप्पा बोल रहे हैं। सुनो सभी ध्यान से, धर्म द्रव जो एक है, अखंड है, अजीव है, अरूपी है, अचल है और लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी है, लोक व्यापी है, एक है अखंड है और लोक व्यापी है, संख्यात प्रदेशी, ख्याल में आना चाहिए, तो पक्का होना चाहिए। लिखिए एग्जाम्पल, धर्म द्रव के एग्जाम्पल। जैसे चलते हुए पथिक को, चलती हुई गाड़ियों को चलने में सहायक सड़क है, रेल को चलने में पटरियां हैं। समझ में आया धर्म द्रव के एग्जाम्पल? चलते हुए राहगीरों को और गाड़ियों को चलने में सहायक कौन? सड़क। और रेल की पटरी रेल को चलने में सहायक कौन से धर्म के एग्जाम्पल है? धर्म द्रव के। कोई तीन उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है? एक प्रश्न हो गया और तीन एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए, मछली सड़क और मछली सड़क नहीं जल जी, तो गलत दिक्कत है, नहीं लिखोगे नहीं पक्का करोगे तो, इसलिए इतनी ताकत लगाते हैं
हाँ जल जल सड़क और रेल पटरी, सड़क और रेल की पटरी, ये धर्म द्रव्य जैसे हैं। हाँ पूछ के बताएंगे बड़े पंडित साहब से कोई। क्लियर हो गया धर्मदत्त? क्लियर हुआ? प्रश्न आगे, प्रश्न क्या धर्म द्रव्य दिखता है? हटाक से बोलोगे तो गड़बड़ होगी, हटाक से मत बोलो, जल्दी मत करो। नो हरि अब समझदारी चाहिए। प्रश्न हम पूछते हैं तो हिंदुस्तान वाले लोग सोचने लगते हैं, चौंक जाते हैं, कुछ रहस्य है? मिल लो छोटे भाई को। प्रिंस क्या धर्मदेव को आप दिखा सकते हो? बेटा सोनगढ़ में पढ़े इसलिए पूछ रहे हैं, फ्रांसिस से नहीं पूछ रहे। क्या धर्मद्रव्य को दिखा सकते हो? क्या अभी धर्मद्रव्य की सत्ता सिद्ध हो सकती है? क्या आप अजैन को भी धर्मद्रव्य है बता सकते हो, सिद्ध कर सकते हो? एक क्वालिटी चाहिए ज्ञान में, नहीं तो वे वे वे। प्रतीक धर्मद्रव्य बता सकते हो कैसे, बताओ? किसी की बीच में आवाज नहीं आना चाहिए। बोलो, आप धर्म द्रव्य पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, तो आप कैसे बताओगे धर्म द्रव्य है यहाँ पर? नहीं, अभी तो बात हो गई खंडन की, यह सही हो सकता है। अब यहाँ तो आप क्या जैन बैठे हैं सारे, अब धर्म द्रव्य की सत्ता आपको बताना है। जो बोला है बहुत बढ़िया बोला, बहुत शानदार बोला, बहुत परफेक्ट है एकदम टेक्निकली शास्त्रीयता से। लेकिन जो बच्चे बैठे हैं, युवा बैठे हैं, सामान्य लोग बैठे हैं, तो धर्म द्रव्य होता है, धर्म द्रव्य की ये सत्ता है, और आप उसके ज्ञान में ये बात बिठा दें कि देखो ये धर्म द्रव्य है और उसका ये कार्य है। जो आपने स्टार्टिंग की थी उसी को रिलेट करके अब आप बताओ कि धर्म द्रव्य की सत्ता है, ये सिद्धि उसकी। कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि आप सामने वाले के ज्ञान में उसकी फीलिंग करा सके, यू आर सक्सेस। और यदि फीलिंग नहीं हुई तो वो पूरा उपक्रम ठीक। कोई सब्जेक्ट हो, जैसे भगवान, भगवान का स्वरूप, उनकी सत्ता, उनसे लाभ, आप अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, ये कोई बात नहीं। समय अपना हो रहा है, जल्दी से अपन चर्चा करते हैं। देखो बहुत अच्छा चर्चा ली, बहुत शानदार चर्चा ली थी कि दुनिया में कार्य होता है तो उसका नियम से कोई कारण होना चाहिए। लिख लो ये लॉजिक हर चीज के लिए। दुनिया में यदि कार्य है तो उसका वकील साहब, धुआं है तो कार्य है तो कारण होना चाहिए।
यदि जीव और पुद्गल गमन कर रहे हैं, चल रहे हैं, कार्य देखा जा रहा है, देखो ये गति हो रही है, मूवमेंट हो रहा है। गति मतलब एक वस्तु का दूसरी, एक वस्तु का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्षेत्रांतर होना, इसको कहते हैं चलना, गमन, गति। समझ में आया? तो कोई वस्तु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन कर रही है, चल रही है, बराबर। ये चलन रूप क्या हो गया? कार्य, क्रिया है कि नहीं? वर्ब, चलना, खाना, पीना क्रिया है कि नहीं? रनिंग, ईटिंग, अरे है कि नहीं? ये क्रिया, ये कार्य है, ये मूवमेंट है। कौन से द्रव्यों में होता है? बोलो, लिख लो। छह द्रव्य में सिर्फ जीव और पुद्गल में गमन होता है। सुनो, परिणमन नहीं बोल रहे, परिणमन छह में होता है, नोट करना। क्या कहा? परिणमन छह में होता है, लेकिन गमन क्षेत्र से क्षेत्रांतर सिर्फ दो द्रव्यों में होता है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, टेक्निकल। एक एक शब्द से पूरी बात बदल जाती है। हाँ, परिणमन गमन। परिणमन का मतलब होता है पर्यायों का बदलना, और गमन का मतलब होता है चलना, मतलब एक क्षेत्र से। क्लियर हो रहा है? सरल है एकदम। तो कितने द्रव्य गमन करते हैं? दो। कौन कौन से? कितने द्रव्य परिणमन करते हैं? क्या सिद्ध भगवान परिणमन करते हैं? प्रांसु प्रिंस, क्या सिद्ध भगवान में परिणमन होता है? यस और नो? कैसे होता है? तो ऐसे बैठे हैं। अरे शांत। हाँ, कैसे होता है परिणमन सिद्ध भगवान में? वे तो रही है यथा तथा सदा सिंह, यथा तथा परिणय रही है अनंता अनंत काल, एक जगह पे ऐसे रहेंगे। कहाँ परिणमन हो रहा है उनमें? हर समय नया केवल ज्ञान, नया सुख, नई ताकत, नया दर्शन। परिणमन अलग चीज है और गमन अलग चीज। समझ में आई बात? बात समझ में आई? सिद्ध भगवान सब गुणों में परिणमन होता है, अपने सब में हो रहा है, प्रतिक्रम है, अनंत पर्याय। अब पर्याय का चैप्टर अगला है। हाँ, छह द्रव्य का पूरा होगा, बस पर्याय का एक दो रविवार बाद। कौन से द्रव्य की चर्चा चल रही है आज? धर्म द्रव्य की। परिभाषा बोलिए। राकेश चाचा जी बोलेंगे। हाँ, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, मूल में पहले आगे वजनदार शब्द लगाए। यही मैन है, यही भू मैन है। टेक्निकल चीजें हैं भैया, इसलिए कहते हैं देखो, लिखो, पढ़ो। देखो शब्द, जो परिभाषा लिख रहा है उनकी देखो, शब्द देखने में आपके ज्ञान में वो बैठती है चीज। देखो देखो, अब देखो देखो देखो, शब्द देखो, वो संजय भैया की कॉपी में। हम यही तो कह रहे हैं, देखो, कोई बात नहीं। क्या बात चल रही थी अपनी? क्या धर्म द्रव्य दिखता है, दिख सकता है, आप उसको दिखा सकते हो? प्रतीक, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक एक चीज वजनदार है, इस चीज को समझो, सीखो। अभी सीखने की उम्र है अपनी। दोनों टाइम प्रवचन में आओ, एक क्षण को चूके बिना, दोनों टाइम टाइम के पहले
एक एक शब्द होती है, चीजें होती है। देखो वस्तु दिखती है ज्ञान से दिखती है, सबसे पहला उत्तर है ये। किससे दिखती है? ज्ञान से। आंख का निषेध हो गया, अब तुम आंख से देखो धर्म द्रव्य को, दिखाओ दिखाओ, आंख से नहीं, किससे? ज्ञान से। पहला उत्तर, कोई भी जगह कोई भी चीज हो किससे दिखती है? किससे जानने में आती है? ज्ञान से। दूसरा, आगम से। किससे? हे प्रांशु, आगम से। और आगम का मतलब आगम भी है, और आगम का मतलब फिजिक्स की पुस्तक, केमिस्ट्री की पुस्तक, इंग्लिश की पुस्तक है कि नहीं, अलग 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 क्षेत्र के, मेडिकल की बुक, वो क्या है? वो उनके आगम है, उनके शास्त्र है, उनके अनुसार दिखेगा इसमें कितनी चम्मच है, कितनी प्लेट है कि नहीं, हीमोग्लोबिन। किससे देखेगा? तो डॉक्टरी के आगम से, ज्ञान से, और बुक से। यहाँ ऑक्सीजन है, किससे देखेगा? साइंस से, ज्ञान से, और साइंस की बुक से। सबसे पहला उत्तर ज्ञान से, दूसरा आगम से। आगम से मतलब उस विषय के, पुस्तक के माध्यम से, ठीक है। और तीसरा, आगम अनुसार ही वस्तु के नियत लक्षण और उसके कार्य से। तीसरा उत्तर, वस्तु के नियत लक्षण और उसके कार्य से। अंधे को दूध में शक्कर दिख सकती कि नहीं दिख सकती? गर्दन हिल रही है, नहीं दिख सकती, बहुत सारी। अंधे को, प्रिंस, अंधे को दूध में शक्कर दिख सकती कि नहीं दिख सकती? सिर्फ प्रिंस बोलेंगे, कोई नहीं। कैसे दिख सकती है बताओ? अरे भैया मत बोलो बीच में। कैसे दिख सकती है? ज्ञान से। और दूसरा फिजिक्स केमिस्ट्री से बताया, क्या बताया? कि एक सुगर नाम की चीज है, उसमें एक स्वीट नाम का गुण है, वो मीठी होती है। किसको बताया? अंधे को। किसको? अंधे को बताया बुक के माध्यम से, उसने वो पक्का कर लिया, ठीक है। अब उसे दूध पीने दिया गया, तो दूध पीकर वो इसमें शक्कर है या नहीं बता सकता कि नहीं बता सकता? तीसरा, कैसे बता सकता है? कार्य या लक्षण से। जैसे ही उसने दूध पिया, अरे इसमें तो शक्कर बिल्कुल नहीं है, क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? अंधा क्या बोल रहा है? चोरे अंधे, हमें तो दिख नहीं रहा है कि नहीं शक्कर, तो तू कैसे बोल रहा है? इसमें मिठास बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसमें शक्कर नहीं है। कार्य का भाव मतलब कारण का भाव, लक्षण नहीं है मतलब लक्ष्य भी नहीं। बात समझ में आई? सुनो, अंधे ने दूध पिया, अरे इसमें तो शक्कर कम है, और डालो। तो लिख लो ना, जैसा बोल रहे हैं, टेक्निकल चीज है सारी। ए अंधे, हमें तो दिखने नहीं शक्कर कम की ज्यादा, तुझे कैसे दिख रही है? मिठास कम है मतलब शक्कर कम है। ये कुछ स्पेशल चीज बता रहे हैं आपको। और सामान्य रूप से अंधे व्यक्ति को दूध पीने दिया गया, कांच का गिलास था, हम तीन आंख वाले भी बैठे हैं, वो अंधा बिना आंख का है। अलग से व्यक्ति आया, लो ये दूध पी के बताओ शक्कर है कि नहीं, हम तीन बोले, हमें तो दिख नहीं रही आंख वालों को, ये क्या बताएगा अंधा? बोलो अंधा बता सकता है कि नहीं बता सकता? कैसे बता सकता है? ज्ञान है जानने वाला। दूसरा, इसमें एक ट्विस्ट और ला रहे हैं, बस अंतिम बात, एक ट्विस्ट और ला रहे हैं। अंधे व्यक्ति ने आज तक शक्कर नहीं खाई, लेकिन नीम खाई थी, नींबू खाया था, नमक खाया था, तो खट्टा चरपड़ा कड़वा कसाला स्वाद तो उसे पता था। और आज पहली बार उससे कहा, किसी
रसायन शास्त्री ने, वो मीठी मीठी होती है, वो शक्कर होती है। तो बोलो पहली बार में भी बता सकता कि नहीं बता सकता? नहीं चीजें। तो उसने दूध पिया और दूध पीते से ही बोला, ओह दूध में तो शक्कर डली है। कैसे पता चला? उस वस्तु के कार से, उसके नियत चिन्ह से, लक्षण से। ऐसे ही बोलो यहाँ पर द्रव धर्म द्रव दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। बोलो दिख रहा है? बताओ कैसे दिख रहा है? कौन कौन बता सकते हैं दिख रहा है? सिद्ध करो यहाँ पर धर्म द्रव है। बोलो, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। हाँ वो तो बोलो है, हाथ में दम है, लिप्स का मूवमेंट हो रहा है, हाथ उठ रहा है, सिर हिल रहा है, शब्द यहाँ से वहां तक पहुँचे, खुदगल की गति हुई ना, स्वयं गमन करती हुई भाषा वर्णा को जो गमन में निमित्त है, कौन सा द्रव्य? बराबर। अब देखो अपन ने लेकिन जो उत्तर दिया था वहां से चाहिए, धर्म द्रव की सत्ता हमें दिख रही है। कैसे दिख रही है? नंबर एक ज्ञान से, ज्ञान जानेगा, जानने वाला ज्ञान है। दूसरा जिनवाणी, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है आगम, आगम में धर्म द्रव का नाम लिखा, स्वरूप बताया, परिभाषा बताई, विशेषता बताई, तो आगम से। और तीसरा कार्य के माध्यम से, कहा था प्रतीक ने, कार्य के माध्यम से धर्म और अधर्म द्रव में गति हो रही है, हो रही है, चल रहे हैं, गमन हो रहा है। तो ये कार दिख रहा है ना, एक कार, गमन रूपी कार, धर्म और सॉरी जीव और उद्गल द्रव का गमन रूपी कार दिख रहा है। तो कार दिख रहा है तो उसका कारण यहाँ पर विद्यमान है, मतलब धर्म द्रव्य यहाँ पर सिद्ध हो गया। क्लियर? सफेद चप्पल दिखी मतलब, अरे बोलो, जल्दी चलो, और सफेद चप्पल नहीं दिखी मतलब, इससे सरल दृष्टांत तो क्या होगा? अनुभव में भी है, स्वानुभूतिया चकास्ते, समझ में आया? पर अंतिम यहाँ पर ऑक्सीजन है या नहीं, बोलो बताओ कैसे है? कार्य के माध्यम से हम सब जिंदा बैठे हैं अभी, और डॉक्टर साहब ने कहा है, वैज्ञानिकों ने कहा है कि ऑक्सीजन से हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऐसे ही गमन हो रहा है मतलब धर्म द्रव्य है, सिद्ध हो गया। एक है, अखंड है, अचल है, अरूपी है, लोक प्रमाण असंख्यात प्रवेशी है। क्लियर? निज निधि निज मैं।